नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ऊपर तक गुजरात न्यूज चैनल में। कच्चे तेल के दाम घटे, भारत में घोषित हुए पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट, पूरी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। पिछले सप्ताह मंगलवार को भी दोनों ईंधन की कीमतों में इतनी की कमी की गई थी। पिछले एक पखवाड़े में अब तक डीजल 1.10 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो चुका है। भारत में तेल कंपनियां शनिवार को पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट तय कर दिए हैं। आज एक बार फिर तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बुधवार के बाद से कीमतें फिलहाल स्थिर है। बुधवार को पेट्रोल डीजल के दाम 15-15 पैसे घटे थे। दूसरी ओर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गुरुवार की तेजी के बाद शुक्रवार को एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार शनिवार को दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 101.34 रुपये प्रति लीटर पर टिका रहा। डीजल का दाम भी 88.77 रुपये प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रहा। मुंबई में भी पेट्रोल 107.39 रुपये प्रति लीटर और डीजल 96.33 पैसे प्रति लीटर है। इससे पहले पिछले सप्ताह मंगलवार को भी दोनों ईंधन की कीमतों में इतनी की कमी की गई थी। पिछले पखवाड़े में अब तक डीजल 1.10 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो चुका है। कीमतों की बात की जाए तो 17 जुलाई के बाद से पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं। करीब एक महीने तक पेट्रोल के दाम स्थिर रहे थे और फिर इनकी कीमतों में गिरावट आई थी। अन्य शहरों की कीमत की बात करें तो कोलकाता पेट्रोल पंप 101.72 और डीजल 91.84, चेन्नई में पेट्रोल 99.8 और डीजल 93.38 रुपये, नोएडा में पेट्रोल 98.65 और डीजल 89.34, बेंगलुरु में पेट्रोल 104.84 और डीजल 94.19 रुपये, हैदराबाद में पेट्रोल 105.40 और डीजल 96.84 रुपये, पटना में पेट्रोल 103.89 और डीजल 89.15 रुपये थे। चंडीगढ़ में पेट्रोल 97.53 और डीजल 88.48 रुपये में मिल रहा है। कच्चे तेल की बाजार में नरमी, उम्मीद से कमजोर अमेरिकी नौकरियों की रिपोर्ट के बाद शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतें गिर गई। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 42.58 की फीसदी की गिरावट के साथ $72.61 प्रति बैरल पर बंद हुआ। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स 70 सेंट या 1 फीसदी नीचे $69.29 पर रहा। दोनों बेंचमार्क तेल इस सप्ताह काफी हद तक स्थिर थे, जिसे यूएस क्रूड 0.80 फीसदी ऊपर था। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए उभरता गुजरात न्यूज चैनल को। लेटेस्ट खबरों के लिए डाउनलोड कीजिए हमारे ऐप को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।